नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है लंकेश स्टड फार्म के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं लंकेश स्टड फार्म की दो और घुड़ियाँ। पहले वीडियो में हमने आपको दिखाई थी मेहसाना सो की दो दांत रिंग में बिनर घुड़ी लक्ष्मी, जो कि लंकेश स्टड फार्म की आन बान शान है और बहुत प्यार से भाई ने उसको अपने फार्म पे ब्रीड भी किया है और पाला भी है। और इस वीडियो में हम आपको और लंकेश स्टड फार्म की जो दो और घुड़ियाँ हैं वो दिखाने वाले हैं। तो भाई मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लोगों को दो और घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं, तो सबसे पहले चाहूँगा कि जो घोड़ी हमारे इधर की साइड में खड़ी हुई है, हाँ। इस घोड़ी का बाप कौन है? जी, हमने ये घोड़ी है अपना 5 साल की है, रतन नाम है इसका। रतन नाम जी, है जी जी जी, ओके है। और इसने हमने 1 साल पहले ही ली है। 1 साल पहले, हाँ, ही ली है, समझो 8 महीना हुआ। 8 महीने हुआ, हाँ जी। और हमने जिधर से ली है इसने ऐसा बताया हुआ है रत्नाकर लाइन की है। रत्नाकर की है जी, हाँ। उसने बताया हुआ है, हाँ, पर आप इसको कंफर्म नहीं करते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में ये 61.5 है। 61.5 ऐसा भी बताया हुआ हमने पहले, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। हम नापा नहीं है आपने घोड़ी दी, किसी की भी नापते नहीं है मेजर, क्योंकि आपको भी सेल परचेज का कोई काम ऐसा है नहीं है, हाँ, तो नापने का भी क्या, हाँ, ना जी, हाँ जी। एक सौ का आप पूरा कर रहे हो इस हिसाब से। तो कभी कभार जैसे लोग आते हैं फार्म पे तो पूछते होंगे कि भाई साहब हाइट क्या है, तो फिर बता भी नहीं पाते होंगे, मेरे को लगता है कंफ्यूजन हो जाता होगा। नहीं, जो भी है आदमी को कहते हैं कि तुम नाप लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तुम नाप लो, तुम्हारे को, हाँ, ओपन है हमारा सबके लिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी को घोड़ा नहीं दिखाएंगे, जो भी अपना सब भाई भाई है, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल, हाँ जी। तो अभी अगर बात करें, ये घोड़ी 5 साल इसकी उम्र है, तो किसी, हाँ, घोड़े से इसको मैट करवाया है या खाली है अभी? नहीं, अभी खाली है प्रदीप भाई, लेकिन, हाँ, जब हम लाए थे तब 3 महीने का बच्चा था। 3 महीने का, साथ में लेके आए थे या प्रेग्नेंट थी 3 महीने? नहीं, 3 महीने का साथ में लेके आए थे बच्चा, और वापिस हमने 6 महीने का उसको बड़ा करके वापिस दे दिया। बिल्कुल, किसको दे दिया था? जो जिसके पास से इधर लाए थे वो। अच्छा, खाली बस ये गई घोड़ी लेके आए तो वो, हाँ, बच्चा दूध पी सके, इस, हाँ, पर्पस से लाए, इस पर्पस से लेके आए। तो थे जो बच्चा आया था इसका, उसके क्या मार्किंग थी बच्चे के? इसके बच्चे के 3 पैर व्हाइट थे और मुंह पे पूरा ब्लेस था अच्छे से, हाँ। वो बच्चे देख के ही मैंने इसको परचेस किया है। बिल्कुल, वो मुझे ऐसा लगा कि भाई ब्रीडिंग में ये बहुत अच्छा बच्चे देंगी, इसलिए हमने ये इसको ले लिया है। तो वो बच्चा जैसा आपने 3 महीने रखा होगा अपने फार्म पे, हाँ जी, हाँ जी, तो एक बार को मन करा के यार ये बच्चा भी ले लें इस बच्चे के घोड़ी के साथ। आपको बता दूं प्रदीप भाई, हमारा फार्म का नाम है लंकेश स्टड फार्म, हमने बच्चे का भी नाम लंकेश ही रखा था उस वाले का, हाँ। अच्छा, इतना अच्छा बच्चा था, लेकिन वो भाई को बच्चा सेल नहीं करना था इसलिए नहीं लिया है, बाकी उसको भी साथ में ले ही लेते, इतना अच्छा बच्चा दिया हुआ है। और फिर अपनी ईमानदारी रखना जरूरी है, मेरे को लगता है जवान का पक्का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब आपको उन्होंने 3 महीने के लिए दिया है, हाँ, तो मेरे को लगता है 3 महीने बाद आपको वापस करना भी, ये एक ईमानदारी वाली बात होती है। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, आगे भी ऐसा थोड़ी ना है भाई हमको वापस से उस जगह जाना ही नहीं, अच्छी घोड़ी आएंगी हमको लेना है तो हम लेने ही वाले हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है। और वो भी हमारे वहाँ आ सकता है, इसका बच्चे आएंगे तो ऐसा है। मैं जानना चाहूंगा कि अभी जैसे कि आप यूथ हो, क्या उम्र होगी भाई अभी अपनी? मेरी समझो 27 साल। 27 साल, हाँ जी। तो अभी जैसे कि जो यूथ लोग इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो आपका क्या टारगेट है? आपको जैसे कि लगभग 7-8-9 साल के करीब इस मार्केट में हो गया, आपने एक बच्ची ब्रीड भी कर ली, रिंग में बिनर भी बना लिया ना, हाँ जी। तो अब आगे क्या कुछ टारगेट बनाया है या कैसे क्या है? यानी टारगेट में ऐसा है प्रदीप भाई, अभी भी हमको और 2 घोड़ियां लेनी है, ब्रीडिंग पर्पस से ही लेनी है। बिल्कुल, और नेक्स्ट 12 मंथ में हम ले लेंगे, वो भी पक्का है, वो भी पक्का है, हाँ जी। तो कोई घोड़ा तैयार करने का मन में ख्याल नहीं आता क्या कभी कभार? जैसे रिंग में जाते होगे तो वहाँ पे जब घोड़ा जीतता है तो जो घोड़ा स्टेलिन कैटेगरी में जीतता है उसकी खुशी अलग ही रहती है, हाँ जी। और जो 2 दांत में बच्ची जीतती है उसकी खुशी अलग रहती है, मेयर वाली की अलग रहती है। तो कभी दिमाग में आता है यार घोड़ा भी पालना है हमारे को? नहीं, ऐसा अभी भी दिमाग में नहीं आया है, लेकिन अगर बच्चा अच्छा देगा तो हम बड़ा करके उसको रखेंगे, ऐसा सोचा हुआ है। यानी अगर बच्चा आया तो, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इस घोड़ी को अभी थोड़े दिन में आप मैट कराओगे? मैट कराएंगे, बिल्कुल। तो अगर भाई बात करूँ, अभी इस मार्केट में यूथ लोग आ रहे हैं जी, तो यूथ लोग सारे आ रहे हैं करोड़पति बनने के हिसाब से, है ना? क्योंकि वो हमारी वीडियो देखते तो वीडियो सब लोग पैसा देख के, कोई आदमी बोल देता है 51 लाख रुपए, अब उसको पता नहीं है कि भाई ये झूठी रेट है ना, इसमें मत आ, अब उसको थोड़ी बोल सकते हैं हम। बिल्कुल, है ना? तो आप ये जो यूथ लोग आपके जैसे आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि वो किस तरीके से इस लाइन के अंदर एंट्री मार सकते हैं आपके हिसाब से? समझो प्रदीप भाई, मेरे हिसाब से तो ऐसा है भाई, मेरा 7 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, 7-8 साल का, उस हिसाब से घोड़ा लाना है, आप एक बार लो, जो भी लो, आपको पसंद आए वो ले लो पहले। बिल्कुल, जो भी अच्छा लगे वो ले ही लो, ऐसा नहीं भाई बाद में आपको पोसा है वो लो, वो तो बोलेगा 1 करोड़ बोलेगा, 2 करोड़ बोलेगा, जो भी है। अगर आपका बजट है तो आप ले लो, अच्छा लगता है,
कोई लोग ऐसा बोलते हैं इसने ठगी कर दिया, कोई लोग बोलते हैं इसने ठगी नहीं किया, जो भी है, लेकिन हमारा ऐसा सोचना है, मेरा पर्सनली और मेरे भाई का, कि भाई अपने को पसंद आया तो ले लेने का, बाकी किसी और का मैं नहीं सोचने का, जो दिल को अच्छा लगे वो करने का। हाँ जी, हमको पोसा है तो लिया है ना प्रदीप भाई। और देखो अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का तो 1 लाख रुपए वाला सीधा। हाँ, हम देखने जाएंगे कि 10 लाख रुपए का हमारा बजट है तो सीधा ऐसा ही बोलेंगे भाई हमका 10 ही बजट है, आपको जो है तो दिखाओ, नहीं तो नहीं देखना है, सीधा बात है। और किसी का भाई माने चलो 50,000 का बजट है तो 50,000 में काम करने का, जितनी पॉकेट अलाउ करे, ऐसा नहीं कि शुरुआत में आके डायरेक्ट ही 50 लाख के पे एंट्री मारने का। बिल्कुल, शुरुआत में मेरा तो जो सलाह है मेरे हिसाब से वही है भाई, आप जो भी लाओ पहले एक घोड़ी लाओ, आपका शौक होवे अच्छे से, आपको कॉन्फिडेंस आ जावे तो ही आप घोड़े बढ़ाओ, उसके बाद में फिर स्टेप भाई ऊपर चढ़ो। हाँ जी। तो भाई अगर बात करें इस दूसरी घोड़ी की, तो इस दूसरी घोड़ी का बाप कौन है? दूसरी घोड़ी भी ये हमारी एक्चुअली में पहली घोड़ी है। पहली घोड़ी है? हाँ जी। समझो इसकी ये रूप है नाम इसका, और ये 18 साल हुई है उम्र, 18 साल की। हाँ जी, हम 10-11 साल थी उम्र तब लाए थे और हमारे पास 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ जी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहली घोड़ी है, पहली घोड़ी है आपकी, शुरुआत है। जी। यानी घोड़ा मार्केट में जो भी आज आपको सिखाया इस घोड़ी ने सिखाया, ये बोल सकते हैं? बनासकांठा गांव में से ली थी, किसी गांव में से। तो ये है हमारी राइडिंग के लिए, जो हमने बोला था मैंने भाई राइडिंग हर रोज हम शाम को करते तो यही इसी पे ही करते, जो कि आपने पहले वीडियो में बताया था कि भाई शुरुआत में खाली राइडिंग पर्पस था। हाँ जी। तो ये घोड़ी जब 18 साल की तो राइडिंग में कैसी है ये बताओ? राइडिंग में इतनी अच्छी है प्रदीप भाई कि किसी दिन भी समझो ऐसा नहीं कि भाई मैं बोलूं वो ना करे, मैं ऊपर बैठा हूँ और मैं बोलूं कि भाई रुक जा तो रुक जाने का, ऐसा नहीं कि भाई लगाम खींच के, ये सब इतना बॉन्डिंग हो गया हमारा। बिल्कुल, साथ में फिर 8-9 साल आपके पास में हो गए, बॉन्डिंग अब नहीं होगी तो कब होगी? बाकी पंच कल्याण है क्या? पंच कल्याण है, पूरा पंच कल्याण परफेक्ट है। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में ये है 60 एंड हाफ। हाँ जी। तो इसको भी किसी घोड़े से मैट करवा रखा है कि नहीं करवा रखा? नहीं, अभी तक हमने नहीं करवाया, लेकिन जिधर से ली थी उधर 2 बच्चे दिए हुए थे और एक दोनों के दोनों उधर ही खड़े थे। तो किस क्या मार्किंग आई थी वो बच्चों की? एक था फिली जो पंच कल्याण थी। हाँ। और एक था पीछे के 2 पैर व्हाइट थे और ब्लेस थे, दोनों के दोनों बच्चे में ब्लेस था। हाँ जी। बाकी क्या नाम रख रखा है इसका? रूप नाम। हाँ जी। बाकी अपने पास में एक लक्ष्मी घोड़ी हो गई, एक रतन और एक रूप। हाँ जी। ये 3 अपने पास में मेन घोड़ियां हैं। हाँ जी। तो अब मैं अगर बात करूं कि डाइट की, तो डाइट में खाने पीने का घर का देते हो या बाहर का दे रहे हो? नहीं, अभी प्रदीप भाई हम बाहर का ही दे रहे हैं। हम दाने में क्या है अभी हिंदुस्तान दे रहे हैं। अच्छा। और थोड़ा सा गेहूं का चोकर मिलाते, थोड़ा सा ही। तो आप हिंदुस्तान की फीड दे रहे हो तो क्या फर्क घोड़ा घोड़ियों में आपको देखने के लिए मिल रहा है? मैं क्या बोलूं प्रदीप भाई, ये रिजल्ट ही दिखाता है। और दूसरी बात यह है कि आज तक भले नजर ना लगे जो भी हो वो, लेकिन आज तक हमारा कॉलीग या कोई भी दिक्कत नहीं हुई है हिंदुस्तान से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत आज तक नहीं हुई। हम रेगुलर डाइट, रेगुलर वो थोड़ा सीजन के हिसाब से कोई पाला मकफड़ी का चारा है या वो जार का पूरा है, जो भी सीजन के हिसाब से देंगे, लचका है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा सोचना है। यानी हिंदुस्तान फीड पे आपका भरोसा है? बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि आदमी का जिस पे भरोसा हो वो देने की चाहिए। बिल्कुल। चाहे से लोग कुछ भी कहे। बिल्कुल। तो अभी जैसे कि मैं, वैसे तो आप सेल करोगे नहीं, पर मैं वीडियो में इसलिए पूछ लेता हूँ कि लोग आपको तकलीफ दे तो मैं ही पूछ लूँ, कोई घोड़ी दोनों में से सेल के हिसाब से है? नहीं, अभी के हिसाब से नहीं है। अभी के हिसाब से नहीं है, इसका बच्चा लेंगे बाद में सोचेंगे, हम बाद में सोचेंगे। हाँ जी। तो भाई जैसे आप घोड़ा घोड़ी लेने जाते होंगे शुरुआत में, तो कितने क्या फार्म विजिट करें, कैसे अपना यानी कि जो ज्ञान है घोड़ा घोड़ियों में कैसे बढ़ाया, यानी कि ब्रीडर के पास बैठ बैठ के? मैं ऐसा बोलूं प्रदीप भाई कि राइडिंग सीखने, इधर ऑस्ट्रेलियन हॉर्स राइडिंग स्कूल है, इधर राइडिंग सीखा और बाद में अहमदाबाद में जो जो ब्रीडर है, ऐसा नहीं कि भाई गलत है, ऐसा कुछ नहीं, अपने एक साथ सबके रिलेशन अच्छे हैं। बिल्कुल, सबके मतलब सबके, और सबों से भाई एक एक बात भी सीखने को मिली आपको? सब लोग हमको बच्चे, पहले तो हम बच्चे ही थे, अभी 27 साल हुआ है, अभी भी बच्चे ही है सबके सामने, तो बिल्कुल तो सब लोग बच्चे देख के हमको सपोर्ट ही किया है, सबने सीखा यही है कि भाई आप ऐसा करो, ऐसा नहीं है कि भाई कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप जैसा रिलेशन बनाओगे ऐसा होगा समझो। और मेरे को लगता है कि आपके गुजरात में जो भी ब्रीडर, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, या अहमदाबाद में, सारे ब्रीडरों का स्वभाव बहुत अच्छा और बहुत सीधे ब्रीडर है। बिल्कुल है ना, आप किसी के पैर में कुल्हाड़ी मारोगे तो वो बिगड़ेगे। हाँ। अगर आप सबके साथ अच्छे हो, आप अपने काम से काम रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे को फिर एक चीज गुजरात की बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों की छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, है ना,
बाकी जो मैन ब्रीडर हैं या शौक से रखते हैं वो आदमी मेरे को जहाँ तक मैंने उनको अजमा के देखा है कि झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं। जो भी है फैक्ट बोल देते कि साहब ये अननोन है तो ये अननोन है, ये काले कांटे की तो ये काले कांटे की, ये दिलवाग की तो दिलवाग की, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से लाइन लगा दे, तो इस तरीके का कोई झूठ नहीं बोलते, बस ये कि थोड़ा सा कम बोलते हैं। अब ये उनके स्वभाव में ही है, पर ये कि देखो चीज अच्छी रखते हैं। हमको कम बोलना है लेकिन दिखाना ज्यादा है प्रदीप भाई। और आदमी को देखो भावनाएं समझने आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ। कम बोलना है और ज्यादा बोलना ये तो देखो आदमी का खुद का एक स्वभाव वाली बात होती है। बिल्कुल भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी ये घोड़ियां देख के। बाकी जो भी लोग लक्ष्मी घोड़ी को देखना चाहते हैं, जो भाई साहब ने अपने घर पे ब्रीड करके और रिंग में उतार के विनर बनाया, तो वो अहमदाबाद शो के अंदर उस घोड़ी को देख सकते हैं। इन सबके भी बच्चे हम तैयार करेंगे और सबके बच्चे भी फर्स्ट नंबर ही लाएंगे, ऐसा मेहनत करेंगे सब, आप सबका और सबका आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आशीर्वाद ऊपर वाले का और जो आपके आसपास में जो ब्रीडरों ने आपको इतना ऊंचा बढ़ाया है बिल्कुल, उनका रहना चाहिए, है ना। बाकी मैं तो आपकी बराबरी हूँ, मेरा तो क्या आशीर्वाद है। पर ये कि देखो आपकी मेहनत रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। मेहनत एक्चुअली में मेरी है नहीं है, ऐसा है मैंने तो सब नॉलेज ही दिया हुआ है प्रदीप भाई। मैंने पहले भी बताया था कि मैं और मेरा भाई स्मित पटेल है, दोनों साथ में रखते हैं। मैं तो सिर्फ बोलता हूँ कि भाई आप ये करो, वो सब प्लान है। ये है कि भाई यूथ अगर सोच ले कि ये करना है तो वो कर सकता है, बिल्कुल। आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी घोड़ी हो ट्रेनिंग वगैरह भी वही करता है, ऐसा है। कोई ट्रेनर हम नहीं बुलाते, आपके भाई सब खुद मेहनत ही है। बिल्कुल, हाँ। फिर आपके यहाँ पे स्पेस भी काफी अच्छा है यार, हर चीज के लिए ट्रेनिंग हो या कुछ बनवाए हुए। पीछे एक बड़ा पैडॉक है, इधर पैडॉक है और वो उधर छोटा है, तो सब घोड़िया भी फ्रीली रहती है, ऐसा नहीं भाई बांध के ही रखने का, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, और बाकी मैं भाई साहब का नंबर जो टाइटल के अंदर दे दूंगा, अगर किसी को कोई बातचीत करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू भाई। ओके ओके।